प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद देश भर में इस वर्ष को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये जो समिट है, इससे पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जाएगा कि ये जो ग्लोबल स्तर पर जिस तरह से किया जा रहा है, तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये जो हमारे छोटे छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान जो खेती करते हैं, इससे ये अनाज जब विश्व में जाएगा, और तो एक तो यहाँ का प्रोडक्ट है, ये उत्पादन है, वो भी किसानों को भी प्रॉफिट होगा। साथ ही जो कुपोषण की समस्या है या अन्य प्रकार से जिस तरह से विश्व में समस्या है, तो उसका समाधान है, तो वो ये जो श्री अन्न है उसको खाने से ही होगा। मोटे अनाज वर्ष को देश भर में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसे एक जन आंदोलन बनाने और भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, किसानों, स्टार्टअप, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायियों और उपभोक्ताओं और जलवायु के लिए मिलेट श्री अन्न के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए लगाया गया है। भारत में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो भारत के मिलेट्स हैं, हमने जो एक ब्रांडिंग की है जिसका नाम श्री अन्न के नाम से निकल के आया है, श्री अन्न भारतीय मिलेट्स को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे विश्व में जो हमारे अपने अनाज हैं उनका महत्व मिलेगा, हमारे किसानों को जो है इसका सीधा लाभ मिलेगा। दो दिनों तक चलने वाले वैश्विक सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप, उद्योग के दिग्गज और अन्य हितधारक भाग लेंगे। अनुज यादव, DD News, दिल्ली।